दोस्तों आज भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आई है इजिप्ट की तरफ से। और अभी एक हफ्ते बाद भारत और इजिप्ट के बीच में कई सारी डिफेंस डील साइन होने वाली हैं। दरअसल आप सभी को पता है कि 2 से 3 दिन पहले यह खबर निकल के सामने आई थी कि भारत और इजिप्ट के बीच में जो 70 तेजस लिफ्ट फाइटर जेट को लेकर बातचीत चल रही थी उसको लेकर एक बुरी खबर निकल के सामने आई थी और इजिप्ट ने भारत के तेजस फाइटर जेट को ठुकरा दिया था और इसकी जाए कोरिया के F-50 के T-50 वेरिएंट को 100 की संख्या में खरीदने का जो फैसला है वो इजिप्ट की तरफ से ले लिया गया था। परंतु आज यह खबर निकल के सामने आई है कि इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सिसी वो 180 मिलिट्री अधिकारियों के साथ भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, क्योंकि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह पर इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं उनको भारत ने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है। और इस यात्रा के दौरान भारत और इजिप्ट में करीब 6 से भी ज्यादा की संख्या में जो रक्षा समझौते हैं वो साइन होने वाले हैं। और इसके लिए आप सभी बाकायदा स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो जिसके माध्यम से यह जानकारी दी गई है। हालांकि अभी पिछले कुछ सालों से भारत और इजिप्ट के बीच में जो राजनयिक संबंध है वो काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं, क्योंकि अन्य इस्लामिक देशों की भांति इजिप्ट भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता है। और अभी हाल ही में नूपुर शर्मा के विवाद और कश्मीर के मुद्दे को लेकर पूरे इस्लामिक देश भारत की आलोचना कर रहे थे, जबकि इजिप्ट ही अकेला एक इस्लामिक देश था जो इस मामले को लेकर काफी ज्यादा तटस्थ था। और इसी कारण से भारत इजिप्ट के साथ अपने राजनयिक संबंधों को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। और इसी कारण से इस यात्रा के दौरान भारत के कई सारे स्वदेशी हथियार जैसे कि प्रलय मिसाइल हो गई या फिर भारत का स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, उसका इजिप्ट जाने का जो रास्ता है वो भारत अब इजिप्ट के लिए खोल रहा है। हालांकि इन सब हथियारों को लेकर इजिप्ट की भारत के प्रति शर्त है कि हमें हथियारों की जो तकनीक है वो भारत से लेना चाहते हैं और पूरे लोकल प्रोडक्शन के साथ इन हथियारों को भारत के साथ खरीदेंगे। बाकी आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय हो, यदि इजिप्ट तकनीक के साथ भारत के हथियार मांगता है तो क्या भारत को इजिप्ट को हथियार सप्लाई करने चाहिए, हाँ या फिर ना, कमेंट बॉक्स में। फिर आवाज दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।